थाना सुखपुर अंतर्गत वादी द्वारा अपने पुत्र पवन गोट के गुमशुदा होने के लिए सूचना दी गई थी, जिस संबंध में थाना स्थानीय पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक सुखपुरा द्वारा उक्त गुमशुदा की तलाश की जा रही थी। 12 अप्रैल को गांव के पोखरे में पवन गोट के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि ये शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। घायल अभियुक्त को हिरासत में पुलिस ने लेते हुए इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायर करने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बलिया के थाना क्षेत्र सुखपुरा में हनुमानगंज में दिनांक 10 अप्रैल 2023 को एक बच्चे की अपहरण का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमे के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। दुखद उस बच्चे का ये मृतक शरीर 2 दिन बाद हमको गांव के पोखरे में मिला था, जिस संबंध में तत्काल पंचायतनामा भर करके पीएम की कार्रवाई करवाई गई थी। पीएम में मृत्यु का कारण एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग आया था, इस करके तत्काल मुकदमे को तरमीम करते हुए हत्या के मामले में उसको पंजीकृत करते हुए एडिशनल एसपी बलिया के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। और मैं बताना चाहूँगा कि इन 3 टीमों के द्वारा पिछले 1 हफ्ते से लगातार अथक प्रयास करते हुए लगभग गांव के 30 से 40 लोगों से पूछताछ करके विभिन्न साक्ष्य संकलित करते हुए फाइनली मुलजिम के बारे में जानकारी हुई थी। उक्त मुलजिम की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीम प्रयासरत थी, जिसके क्रम में आज अर्ली मॉर्निंग उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया और भागने की कोशिश की गई, जिस दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में जो अभियुक्त है वह घायल हुआ है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभियुक्त उसी गांव का रहने वाला है जो बच्चा जिसका अपहरण हुआ था, उसके घर से मात्र 60 मीटर की दूरी पर अभियुक्त का घर है। अभियुक्त ने बच्चे को अपने घर पर ही रखा था वहाँ से, और क्योंकि घर के बिल्कुल बगल में है तो वह लगातार देख रहा था कि घर वाले क्या कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि गांव से ही सूचना संकलित करनी थी, टीम के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था और टीम ने अच्छे से इस कार्य को संभाला। इस संबंध में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस।